एक बार फिर अक्षरा सिंह का नाम विवादों में जुड़ गया है। खबर है कि पटना में अक्षरा सिंह के घर के बाहर फरारी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये मामला अप्रैल 2021 का है। 2021 में अक्षरा सिंह बाहुबली मुन्ना शुक्ला की डांस पार्टी में शामिल हुई थी। डांस पार्टी में उन्होंने कई नियमों का उल्लंघन भी कर दिया था। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है सामने। पटना पुलिस ने अक्षरा सिंह को फरार घोषित कर दिया है। भोजपुरी एक्ट्रेस के घर के बाहर फरार पोस्टर के इश्तेहार भी चिपकाए गए हैं। आइए समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। एक बार फिर अक्षरा सिंह का नाम विवादों में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर है कि पटना में अक्षरा सिंह के घर के बाहर फरारी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये मामला आज का नहीं बल्कि अप्रैल 2021 का है। 2021 अप्रैल में अक्षरा सिंह बाहुबली मुन्ना शुक्ला की डांस पार्टी में शामिल हुई थी। उन्होंने डांस पार्टी में कई नियमों का उल्लंघन भी कर दिया था। इसके अलावा वहां फायरिंग भी हुई थी। बाहुबली मुन्ना शुक्ला के यहां हुई डांस पार्टी को लेकर दर्ज की गई FIR में अक्षरा सिंह भी अभियुक्त थी। FIR दर्ज होने के बाद से वो लगातार फरार थी। वही आज 2 महीने पहले मामले में पुलिस ने कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी करवाया था, जिसके बाद अब फरारी का इश्तेहार निकाला गया है। बताया जा रहा है कि लालगंज थाने की पुलिस ने अक्षरा के पटना के घर पर फरारी के इश्तेहार चिपका दिए हैं। फरारी के इश्तेहार में अक्षरा सिंह के फरार होने का भी जिक्र है। करीब 1.5 साल पहले बाहुबली मुन्ना शुक्ला की डांस पार्टी में अक्षरा सिंह को उनके साथ डांस करते देखा गया था। अक्षरा सिंह का बाहुबली की डांस पार्टी में उस वक्त जाना महंगा पड़ गया। अब उनका नाम FIR में सामने आया है। कुछ वक्त पहले ही अक्षरा सिंह को लेकर एक और बड़ी खबर आ गई थी सामने। जौनपुर के बदलापुर में चल रहे 2 दिवसीय बदलापुर महोत्सव में अक्षरा सिंह पर पत्थर फेंके गए थे। कार्यक्रम में इतना हंगामा हो गया था कि अक्षरा सिंह का कार्यक्रम भी पूरा नहीं हो पाया था। वही अब अक्षरा सिंह को लेकर ये न्यूज काफी शॉकिंग है। इसके साथ अभी मामले पर अक्षरा सिंह ने किसी भी तरह का कोई रिएक्शन देने से साफ इनकार कर दिया है। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय, अक्षरा सिंह को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।